आज ही डाउनलोड करें। पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना हो वर्नियर शोन इन द फिगर सो फर्स्टली हमें लिखना पड़ेगा कि लीज काउंट होता क्या है सो लीज काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट लाइक कितना सब, smallest reading. एक किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कि वो कितना सबसे कम कितना रीड कर सकता है जैसे अगर मैं एक मीटर स्केल देखूं तो उसमें वन सेंटीमीटर जो है वो फर्स्ट यूनिट होती है और उसके बीच में भी नो कि टेन सेक्शंस होते हैं टेन हिस्सों में डिवाइडेड होती है सो वो फर्स्ट हिस्सा इज़ वन एमएम एम है ना क्योंकि वन सेंटीमीटर को अगर आप टेन उसमें डिवाइड करोगे सो वी ऑल नो दैट कि टेन एम एम जो है वन सेंटीमीटर के बराबर होता है सो फर्स्ट जो रीडिंग होगी वो वन एम एम की होगी सो दिस इज़ द लीज काउंट ऑफ अ मीटर स्केल कि वो एक एम एम से नीचे जो है मेजरमेंट कर ही नहीं सकता क्योंकि मेजरिंग के लिए उसके पास उतना कैपेसिटी uh, है ही नहीं कि वो उससे नीचे मेजर कर पाए सो लीज काउंट होती है सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल सो स्मेस्ट रीडिंग यहां में यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या होगी मेन स्केल की सो दिस इज द मेन स्केल और मेन स्केल में जीरो से वन सेंटीमीटर तक ट्वेंटी डिविजन्स है मतलब एक डिविजन कितने का है पॉइंट फाइव एम एम का सो so इसलिए वो स्मॉलेस्ट रीडिंग है और नंबर ऑफ डिविजन्स वन ईयर स्केल पे अगर देखो तो ट्वेंटी डिविजन्स है तो मतलब लीस्ट काउंट क्या होगी पॉइंट जीरो टू फाइव एम एम इज द आंसर ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर